नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार आपके लिए लाइफ हाईज के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है दोबारा से। मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बड़ी तेजी में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ब्लू चिप कुछ टॉप क्लास कंपनीज अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रही है। एक एक करके सारे स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं, और ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक अभी डिस्काउंट में मिल रहे हैं चलेंगे नहीं कभी, बेकार कंपनीज हैं। जब भी कोई शेयर सस्ता मिलता है गिरा हुआ दिखता है ना, वो बेकार लगता है, लेकिन जब वो शेयर चलता है तो फिर लाइन लगा के खरीदते हैं लोग उसे, हर भाव पे खरीदते हैं, ये याद रखना। इतिहास गवा रहा है, कितने भी स्टॉक्स उठा के देख लो आप। आज जैसे आपको ये रेलवे स्टॉक्स इरकॉन और IRFC RVNL अच्छे लग रहे हैं ना, वैसे ही एक साल पहले आपको IRCTC वगैरह अच्छा लगा करते थे। मैंने IRCTC पे कल या आज एक वीडियो बनाई थी, इस पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए कि भाई ये कचरा शेयर है, ये सुस्त मुर्गा है, ये चलता नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये स्लो मूवर, ये हमेशा ट्रैप करता है। भाई जरा जाओ थोड़ा सा पीछे 15 महीने, दिखेगा आपको हर दिन 10% भाग रहा था जिसे आप सुस्त मुर्गा बता रहे हो, और हर दिन इसमें जो सर्किट है ना उस पे लोग खरीदने आ रहे थे। 1200 रुपए से 6000 रुपए की जर्नी तय करी थी विद इन 3 मंथ्स। तो समय समय की बात है, धीरे धीरे बाजार आपको ये सारी चीजें दोबारा से रिपीट करेगा। अब आते हैं हम अपने स्टॉक्स पे। तो पहला नाम यहाँ पे आ रहा है भैया इंफोसिस का, 1437 का करंट मार्केट प्राइस है, 1950 रुपए के हाईज लगा चुकी है ये कंपनी आपके लिए 2022 के जनवरी में, यानी 2 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, जनवरी में 2 साल हो जाएंगे अगली साल। तो 1950 वाला भी 1450 रुपए के भी नीचे मिल रहा है। बोनस का बादशाह रहा ये स्टॉक, हर 3 साल में एक बार बोनस देने के लिए जाना जाता था, लेकिन 2018 के बाद से कोई बोनस भी नहीं आया है। मेरे को लगता है अब जो राउंड ऑफ तेजी आएगी ना इसमें, उसमें बोनस डिक्लेयर करेगी, बट कब आएगी अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन आएगी जरूर। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 6 लाख करोड़ का है इस समय, और ये स्टॉक जब 1950 गया था तो 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करा था। तो इस कंपनी में मेरे को लगता है ये बहुत स्कोप है, बहुत ही दिग्गज कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है, इसको पूरा है और पैसा बनने के चांसेस भी पूरे हैं। तो पहला कैंडिडेट तो इंफोसिस है। दूसरे कैंडिडेट की तरफ चलते हैं आगे, और दूसरा कैंडिडेट आपके लिए निकल के आ रहा है इस समय ICICI बैंक। देखिए बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर से कोटक, ICICI और HDFC तीनों कमाल की बैंक है, लेकिन क्योंकि HDFC बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पे ICICI पिक कर रहा हूँ। बट HDFC अगर आप 3 साल 5 साल रख सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड एंड बाय एंड होल्ड वाली पिक है, क्योंकि कब चलेगा मुझे नहीं पता, बट जब भी चलेगा ना बड़ा पैसा बनाएगा। वही ICICI एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है तो मेरे को लगता है ये स्टिल आउट परफॉर्म करेगा। वैल्यूएशन वाइज अभी भी कोई महंगा नहीं है, 1000 रुपए का हाई लगाया है, 921 पे मिल रहा है, तो ये एक और स्टॉक है जो आपको रडार पे रखना है। बस अभी टेक्निकली थोड़ा वीक दिख रहा है, अगर कोई करेक्शन आ जाए 850 तक तो भाई क्या कहने है? नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे जिस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं उसका नाम है BPCL। BPCL अभी 390 रुपए पे मिल रहा है, लेकिन इस शेयर का भाव एक जमाने में 550 रुपए का हुआ करता था। एक जमाने से, वो जमाने का समय है 2017, उसके बाद आपके लिए 500 का था 2019 में भी, और 500 रुपए का 2021 में भी था। अभी करेक्शन कंप्लीट करके लंबे मतलब 3-4-5 सालों का बेस का लो लगा के स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो मेरे को लगता है 450-470 की तरफ तो जा ही सकता है। स्टॉक वैल्यूएशन वाइज तो आपको पता ही है, सारी OMC कंपनीज बहुत ही अंडर वैल्यू मिलती हैं आपको, तो ये एक और कैंडिडेट है। नेक्स्ट स्टॉक है DMart। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट आप कभी ना कभी तो गए होंगे, और नहीं गए तो एक बार जाके देखो, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली होके आया हूँ। बहुत ही मजेदार चीज है वो, मतलब अनबिलीवेबल प्राइस पे चीजें मिलती हैं वहां पे, और रश तो बहुत ज्यादा है। ये स्टॉक आपके लिए 2017 में 600 रुपए का हुआ करता था, जिसने आपके लिए 2021 में 6000 रुपए का हाई लगाया, 10 गुना हो गया इस तेजी आई, इतनी बड़ी तेजी। 300 के PE पे भी लोग खरीद रहे थे, लेकिन उसके बाद 2021 दिसंबर के बाद से जो गिरावट शुरू हुई अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया है। 3,3300 रुपए करीब बेस क्रिएट करता है ये स्टॉक, अभी 3800 रुपीज पे मिल रहा है। जब भी दोबारा तेजी आएगी तो दोबारा 6000 का हो जाएगा शेयर, तो ये भी स्टॉक आपके लिए डेफिनेटली रडार पे रहना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज महंगा है, अभी भी स्टिल 106 के PE पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक आपके लिए जो मैं बात कर रहा हूँ वो है एशियन पेंट्स। ज्यादा कोई करेक्शन आई नहीं है वैसे इस स्टॉक में, और आती भी नहीं है, अभी रिसेंटली 3000 के पास पहुंचा, तो मैंने आपसे कहा था खरीदो, शुरू कर दो लेना, और 2800-2650 ये लेवल मुझे लेने के। 3560-3570 का स्टॉक में 52 वीक हाई लगाए, अभी 3168 पे है। नॉर्मली स्टॉक 75 के PE पे ट्रेड करता है, अभी 60 के PE पे मिल रहा है। किसी भी रीजन से 3000 के नीचे निकलता है तो वो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, तो एक और स्टॉक है जिसको आप डेफिनेटली रडार पे
रख सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए दिग्गज कंपनियों में तेजी आई नहीं है, उनमें से एक रिलायंस भी 2800 रुपए किसने हाई लगाए हैं, जिसमें से आप जियो फाइनेंस के शेयर 200 रुपए को हटा भी दोगे तो भी 2600 रुपए के हाई हो गए। अभी आपको 2355 पे मिल रहा है, 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, दिग्गज कंपनी है, यहाँ भी आप चाहो तो निवेश कर सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो क्वालिटी वाइज तो बहुत ही दमदार है और डिस्काउंट में भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप चाहो तो निवेश कर सकते हो, लेकिन व्यू थोड़ा लंबा रखना, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाना, और जब ये शेयर गिरे तो कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर, ऐसा नहीं कि चार लोगों के कहने से बेच दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।